अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, एज़ यू पीपल नो के वी आर कंटिन्यूइंग आर सीरीज़ ऑफ करंट अफेयर्स। तो मैंने आपको जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि पहले जो है हम अपनी जो है सिलेबस के जो पॉइंटर्स हैं उनको कवर करेंगे एंड देन वी विल हेड टूवर्ड्स द करंट सिनेरियोज दोज आर हैपनिंग इन द करंट वर्ल्ड। ठीक है, तो जो हमारे पास सिलेबस में एक पॉइंटर है दैट इज़ द रिलेशन ऑफ पाकिस्तान विद इंडिया, अफगानिस्तान, चाइना एंड रशिया। तो आज जो है हम उस सीरीज़ में से एक को पिकअप करते हैं एंड दैट इज़ पाकिस्तान रिलेशंस विद इंडिया। आज जो हम पाकिस्तान के रिलेशंस विद इंडिया देखेंगे कि देखेंगे व्हाट इज़ द जनरल पर्सपेक्टिव ऑफ पाकिस्तान रिलेशंस विद इंडिया, इसकी हिस्टोरिक टाइमलाइन क्या रह चुकी है और अब इस वक्त करंट सिनेरियो क्या चल रहा है और हम इसके बारे में क्या वे फॉरवर्ड्स ले सकते हैं। ठीक है, एज़ एवरीवन नोज, अगर आप पाकिस्तानी हैं, अदर देन अगर आप पाकिस्तानी नहीं भी हैं तब भी हर किसी को दुनिया में पता है कि पाकिस्तान हैज़ अ होस्टाइल नेबर विच इज़ इंडिया। पाकिस्तान के जो हैं स्टार्टिंग से ही इंडिया के साथ रिलेशंस कुछ अच्छे नहीं हैं, होस्टाइल रिलेशन है। पाकिस्तान इंडिया का एक आर्च राइवल है। इसके अलावा पाकिस्तान ने जब सब कॉन्टिनेंट से आज़ादी हासिल की तो दो मुल्क जो वजूद में है उसमें से एक पाकिस्तान था और एक इंडिया था। बिफ़ोर इंडिपेंडेंस ही क्लैशेज शुरू हो चुके थे ड्यू टू कल्चरल एंड एथनिक डिफरेंसेस, और उसके अलावा जो ब्रिटिश राज था उसने इस डिफरेंसेस को कंपाउंड किया और उसकी वजह से क्या हुआ, इन द कंसिक्वेंस ऑफ दीज क्लैशेज पाकिस्तान और इंडिया की सब कॉन्टिनेंट की डिवीजन हुई और पाकिस्तान और इंडिया वजूद में आए। सो लेट स्टार्ट विद द एकेडेमिक पॉइंट ऑफ व्यू कि हम जो है क्या किताबों में क्या हमें इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में पढ़ने को मिलता है। सो लेट स्टार्ट, इंडिया एंड पाकिस्तान हैज कंस्ट्रेंड रिलेशन सिंस 1947। मैंने आपको बताया क्योंकि जो इंडिया पाकिस्तान की रिलेशंस की रूट्स हैं दोज आर बेसिकली दोज रूट्स आर बेसिकली इंडल्ज्ड इन द एथनिसिटी डिफरेंसेस इन एथनिसिटी एंड कल्चर जो कि सब कॉन्टिनेंट से हम कंटिन्यू करते आ रहे हैं। द कंस्ट्रेंट स्टार्ट टू डिवेलप बिकॉज ऑफ कल्चरल एंटागोनिज्म दैट वॉज नोटिस्ड बाई द मुस्लिम स्कॉलर्स इन सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट में जो मुस्लिम स्कॉलर थे दे वर द फर्स्ट वंस जिन्होंने ये बात नोटिस की थी कि जो कल्चरल एंटागोनिज्म है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया या बिटवीन मुस्लिम्स एंड हिंदूज, तो उसकी वजह से क्या है इनकी जो रिलेशंस हैं वो कंस्ट्रेंट है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर मुस्लिम्स में अगर एक जो एक कल्चर है वो मुसलमानों में एक इबादत की तरह माना जाता है तो वो दूसरे कल्चर में हिंदुओं के कल्चर में दैट इज़ कंसीडर्ड एज अ टैबू। तो इस तरह से जो है दिस वाज द रूट ऑफ कंस्ट्रेंट रिलेशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। दीज रिलेशंस आर कंस्ट्रेंट रिलेशंस आर कंपाउंडेड बाय द पॉलिसीज ऑफ हिंदू राज। ऑब्वियसली हमें पता है कि 1857 की जंग आज़ादी के बाद जब हिंदू ब्रिटिश राज वहाँ पे ब्रिटिश राज ने सब कॉन्टिनेंट को ऑक्यूपाई कर दिया तो उनकी कुछ ऐसी पॉलिसीज थी जो कि प्रो इंडियंस प्रो हिंदू थी लेकिन जो थी एंटी मुस्लिम थी। तो उसकी वजह से भी जो क्या हुआ कि मुसलमानों के दिमाग में ये बात इन्फिल्ट्रेट होना शुरू हो गई कि जो इंडियंस हैं दोज आर बेसिकली द रीजंस जो के ब्रिटिश को हिंदू मुसलमानों के ख़िलाफ़ भड़का रहे हैं। तो इसकी वजह से भी ये जो कंस्ट्रेंट रिलेशंस की माइंडसेट था वो कंपाउंड हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास हैव मैनी इश्यूज़ लाइक कश्मीर, सियाचिन एंड सरक्रीक। जो पाकिस्तान और इंडिया क्योंकि आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं, आर द इमीजिएट नेबर्स, तो इनके दरमियान बहुत से इशूज़ टेरिटोरियल और इसके अलावा डिफरेंट डिप्लोमेटिक इशूज़ भी पाए जाते हैं। दोज आर सम ऑफ दोज इशूज़ आर कश्मीर इशू, सियाचिन इशू, सरक्रीक इशू, टेररिज्म इशू एंड एटसेट्रा। अब हम इसके देख लेते हैं हिस्टोरिक टाइमलाइन क्या है पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस की। सबसे पहले 1947 में दोनों ममालिक ने इंडिपेंडेंस हासिल की और 1948 में ही पहली वॉर कश्मीर पे इन दोनों ने लड़ी। उस वॉर में क्या हुआ कि 2/3 ऑफ कश्मीर वॉज ऑक्यूपाइड बाई पाकिस्तान और जो लार्जेस्ट पोर्शन है जिसको हम इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं वो जो है अभी तक इंडिया के हिस्से में है। उसके बाद 1960 में जो है इंडस वाटर ट्रीटी हुई। आफ्टर 1948 वॉर देयर वाज अ माइंडसेट के जो है फर्दर इनके पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस जो हैं वो कभी भी अच्छे नहीं हो पाएंगे और इसी माइंडसेट को लेते हुए जो इंडस वाटर का पानी था आई थिंक इन 19
1952 में इंडस वाटर का पानी जो है वो रोक दिया गया। ऑब्वियसली पाकिस्तान इज़ अ लो रिपेरियन एरिया, तो जब इंडस वाटर का पानी इंडिया ने रोक दिया तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो इफेक्ट हुआ। तो उसकी रिजल्ट में क्या हुआ, वर्ल्ड बैंक के थ्रू एक इंडस वाटर ट्रीटी साइन की गई बाई बोथ पाकिस्तान एंड इंडिया। इसमें जो 6 रिवर्स पाकिस्तान और इंडिया से गुजरते हैं उनमें से 3 जो है वो पाकिस्तान को एलोकेट कर दिए गए और 3 जो है इंडिया को एलोकेट कर दिए गए। नेक्स्ट हमारे पास 1965 की अगेन वॉर हुई ऑन कश्मीर। इस वॉर का कोई कंसिक्वेंशियल रिजल्ट नहीं निकला, जितना इलाका पाकिस्तान के पास था वो पाकिस्तान के पास रहा और जितना इलाका इंडिया के पास था वो इंडिया के पास रहा। पाकिस्तान ने जब इन्वेड किया तो उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने पाकिस्तान को फ़ौरन से विड्रॉ करने का कहा और पाकिस्तान ने विड्रॉ कर लिया। इन दिस जो थी इंडिया जो इन्वेड कर चुकी थी इनटू आर सिंध एंड बलोचिस्तान रिटेलिएट करने के लिए, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की कॉल्स के बाद जो है मामला रफा दफा हो गया। दोनों ममालिक ने अपनी फोर्सेज विड्रॉ कर ली फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव एरियाज ऑफ कश्मीर एंड सिंध एंड पंजाब। उसके बाद 1966 इसका ताशकंद डिक्लेरेशन हुई। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द 1965 वॉर, इसको मीडिएट करने के लिए ताशकंद डिक्लेरेशन की गई। उसके बाद 1971 की वॉर हुई जिसमें हमने पता है कि फॉल ऑफ ढाका हुआ। इसमें जो है इंडिया की इन्वॉल्वमेंट थी और ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलहदा हो गया। इसको मीडिएट करने के लिए शिमला एग्रीमेंट किया गया और इस शिमला एग्रीमेंट में ये बात तय पाई कि अब आगे से जो भी इश्यूज या कन्फ्लिक्ट होंगे दोज विल बी यू नो रिजॉल्व बाय द बायलेटरल एग्रीमेंट्स। ठीक है जी, 1972 के ताशकंद जो डिक्लेरेशन थी उसके बाद जो है शिमला एग्रीमेंट जो था उसके बाद 1984 में सियाचिन कन्फ्लिक्ट हुआ। सियाचिन कन्फ्लिक्ट में क्या था, सियाचिन इज़ द यू नो हाईएस्ट ग्लेशियर इन साउथ एशिया, तो उस पर जो था वो पाकिस्तान का कंट्रोल था पर बट इन 1984 जो इंडियन फोर्सेस थी उन्होंने जो है उस पर कंट्रोल हासिल कर लिया। एंड एट दैट टाइम जो है उसके बाद से ये बात कहना शुरू कर दिया उन्होंने कि जितना एरिया अब इंडिया के पास है सियाचिन ग्लेशियर का वो इंडिया के पास ही रहेगा और पाकिस्तान इस बात को मान ले कि ये जो एरिया है ये इंडिया का है। लेकिन पाकिस्तान आज तक जो है इस बात को नहीं मानता। उसके बाद है 1989 की अपराइजिंग इन कश्मीर हुई। कश्मीर में फर्स्ट टाइम इंसर्जेंसीज देखने को मिली और ऑब्वियसली इन कश्मीरी इंसर्जेंसीज को पाकिस्तान ने सपोर्ट किया। उसके बाद 1998 में न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान ने चागल के पहाड़ पर 3 एटमी धमाके किए जिससे दुनिया को ये बात पता लग गई कि पाकिस्तान जो है वो एक एटमी ताकत है। उसके बाद 1999 की कारगिल वॉर हुई मुशर्रफ के दौर में। उस टाइम जो है 1999 में मुशर्रफ के दौर में कारगिल वॉर लड़ी गई और कारगिल वॉर के नतीजे में क्या हुआ था, पाकिस्तान ने ऐसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स कश्मीर में जो है ऑक्यूपाई कर लिए थे जहाँ से कि हम कश्मीर का फुल कंट्रोल ले सकते थे। बट एट दैट टाइम टू विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ USA पाकिस्तान को वहाँ से विड्रॉ करना पड़ा और पाकिस्तान में सिविल वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हुई जिसकी वजह से गवर्नमेंट टॉपल भी हुई और इस तरह के डिफरेंट इंसिडेंसेस देखने को मिले। उसके बाद 2001 में पार्लियामेंट अटैक हुआ, 2008 में बॉम्बे अटैक हुआ। इन दोनों अटैक्स का जो इंडिया ने इन दोनों अटैक्स के लिए पाकिस्तान को अक्यूज़ किया कि पाकिस्तान ने जो है टेररिस्ट अटैक स्पॉन्सर किए हैं इन इंडिया। उसके बाद 2012 तक जो है रिलेशंस कुछ वार्म रहे ड्यू टू द वर्ल्ड प्रेशर। उसके बाद 2015 और 16 में LOC वायलेशंस फिर से की गई, पाकिस्तान और इंडिया के डिफरेंट सोल्जर्स जो हैं इसमें मारे गए। उसके बाद हमारे पास आया 2015 में UNGA क्लैश हुआ। इन दिस टाइम द नवाज शरीफ वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान दैन, तो उन्होंने जो है 4 पॉइंट्स पीस प्रोसेस दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि डीमिलिटराइजेशन ऑफ कश्मीर हो जाए और जो सियाचिन है उससे जो है इंडिया अपनी फोर्सेस विड्रॉल कर ले। लेकिन जो है इंडिया ने ऑब्वियसली ये पॉइंट्स नहीं माने। उसके बाद 2015 में हार्ट ऑफ एशिया जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने होस्ट किया था उसमें इंडिया को भी बुलाया गया। एंड एट दैट टाइम इंडिया ने जो है कुछ पॉजिटिव यू नो स्टेप्स फॉरवर्ड किए टूवर्ड्स पाकिस्तान। उसके अलावा 2016 में पठानकोट अटैक हो गया, पंपोर अटैक हो गया और उरी अटैक हो गया। तो इसमें भी जो है इंडिया ने जो है पाकिस्तान को ही एक्यूज़ किया। 2016 में सम्बनीन इंट्रूजन हुई। जब 2015 में CPAC हमारा इंट्रोड्यूस हुआ, द $62 बिलियन पायलट प्रोजेक्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यू नो कंटिन्यूड बाय चाइना, तो उसमें जो है पाकिस्तान इंडिया जो था वो CPAC के अगेंस्ट था। वो नहीं चाहता था कि पाकिस्तान इंडिया किसी तरह की इकोनॉमिक कोऑपरेशन करें। तो सबमरीन इंट्रूजन पाकिस्तान ने अपने 40 नॉटिकल माइल्स में इंडिया की सबमरीन को डिटेक्ट किया और ये बात कहते हैं कि ये जो
सबमरीन इंटरवेल थी, दिस वॉज स्पेसिफिकली फॉर द इंफॉर्मेशन गैदरिंग अबाउट सी पैक, ठीक है। उसके बाद 2019 में पुलवामा अटैक हुआ, द वेरी रिसेंट, द वेरी फेमस, इसमें इंडिया के कुछ 40 जो थे यू नो सिक्योरिटी ऑफिशल्स थे जो थे वो मारे गए। तो जो है इंडिया ने पाकिस्तान को अक्यूज़ किया, और उसके अलावा जो है ट्रेड पर 200 प्लस टैरिफ्स लगा दिए, ट्रेड रोक दी गई, और इसके अलावा पाकिस्तान ने जो है पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर देन जो इमरान खान साहब थे उन्होंने जो है इंडिया को वेलकम भी किया कि वो आगे इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान ने अटैक कैरी आउट नहीं किया। बट उन्होंने जो है इंस्टेड कि वो इसको पॉजिटिवली लेते, उन्होंने क्या किया 2019 में बालाकोट अटैक किया टू रिटेलिएट दिस पुलवामा अटैक, एंड दैट टाइम द पाकिस्तान इन्फ्यूरिएटेड, और उन्होंने कहा कि बालाकोट में जो जो थे फाइटर जेट्स उनको मार गिराया पाकिस्तान की आर्मी ने, और वहाँ से जो है इंडिया का जो फाइटर जेट यू नो पायलट थे उनको पकड़ लिया गया। उसके बाद 2019 में कश्मीर का ऑटोनॉमस स्टेटस जो है वो भी रिवोक कर दिया गया बाय द इंडिया इन 371 आर्टिकल ए, और जो है उसके बाद से पाकिस्तान और इंडिया के कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है। पाकिस्तान इस बात को हाईली कंडेम करता है, और ये बात इस बात का स्टांस लेता है कि जब तक इंडिया कश्मीर को उसका ऑटोनॉमस स्टेटस वापस नहीं देता, देयर विल बी नो डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक रिलेशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। अब उसके बाद से हमारे करंट सिनेरियोज़ क्या चल रहे हैं वो हम देख लेते हैं। नो डिप्लोमेटिक रिलेशंस, पाकिस्तान वांट्स द रिवर्सल ऑफ आर्टिकल 371 व्हिच विल गिव द ऑटोनॉमस स्टेटस टू कश्मीर। इंडिया इज़ कंटिन्यूसली परसिंग द एंटी मुस्लिम एंड हिंदुफ्ता एजेंडा इन इंडिया। ऑब्वियसली जो इंडिया है दैट इज़ कंटिन्यूसली परसूविंग द एंटी मुस्लिम एजेंडा इन इंडिया, क्योंकि वो जो है अपनी हिंदुफ्ता जो एजेंडा है उसको परस्यू करना चाहता है, एंड टू परस्यू दैट देर आर मैनी इंस्टेंसेज हैपनिंग इन इंडिया। फर्स्ट इज़ द हिजाब बैन जो कि आई थिंक 15 मार्च को हुआ 2022। उसके बाद डिमोलिशन ऑफ प्रॉपर्टी होती गई मुसलमानों की इन इंडिया, इंडोक्ट्रिनेशन ऑफ कश्मीर हो रहा है, चेंजिंग नेम्स जो रोड्स के नेम जो के मुगल्स के नाम पर रखे गए हैं इन इंडिया, उनको उन नामों को चेंज कर दिया जा रहा है टू चेंज द हिस्टोरिक प्रिंसिपल्स। उसके बाद जो है इरोडिंग मुगल हिस्ट्री फ्रॉम बुक्स, जो हिस्ट्री की बुक्स हैं इंडिया में वहाँ से मुगल हिस्ट्री को इरोड कर दिया गया है। सिटीजनशिप लॉ इंट्रोड्यूस करवाया गया है जिसमें जो है मुसलमान हिंदू इंडिया में जाके सिटीजनशिप हासिल नहीं कर सकते। दिस इज़ ऑल बिकॉज टू प्रिजर्व द हिंदू कल्चर, क्योंकि हम ये बात देखते हैं कि जो द बिगेस्ट हिंदू कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ इंडिया। इसके अलावा कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो कि हिंदुओं को यू नो हिंदूज पे बेस्ड हैं, तो इसलिए जो है इंडिया जो है वो अपना हिंदू कल्चर उसको जो है प्रिजर्व रखना चाहते हैं, एंड देयर इज़ ओनली वन थ्रेट टू दैट हिंदू कल्चर दैट इज़ द मुस्लिम कल्चर, क्योंकि मुस्लिम और हिंदू कल्चर आपस में बिल्कुल एंटागोनिस्ट हैं। तो इसकी वजह से जो है इंडिया जो है अपना कल्चर प्रिजर्व करने के लिए मुस्लिम कल्चर को इरोड करता जा रहा है, इवन इन द जो हिस्टोरिक मुस्लिम कल्चर है इन इंडिया उसको भी इरोड करता जा रहा है फ्रॉम द इंडियन टेरेटरी। उसके बाद दुनिया का रिएक्शन क्या है इस पर, क्योंकि इंडिया जो है दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, तो इसलिए जो है अ ह्यूज इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया लाइज इन द वर्ल्ड। तो इसकी वजह से कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो कि इंडिया के मूव्स को कंडेम करता हो अदर देन पाकिस्तान या चाइना, वो भी इतना स्ट्रिक्टली कंडेम नहीं कर सकते। ऑब्वियसली पाकिस्तान एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, और पाकिस्तान की इतनी से नहीं है इन द वर्ल्ड, और चाइना जो है वो जिस तरह से कंडेम करता है वो जो है जस्ट अ थ्योरेटिकल अटेम्प्ट, क्योंकि इन प्रैक्टिस वो कंडेम नहीं कर सकता बिकॉज उनके ट्रेड रिलेशंस हैं, और इसके अलावा वो बॉर्डरिंग कंट्री है इंडिया की। उसके अलावा नो स्ट्रिंजेंट रिएक्शंस फ्रॉम द वर्ल्ड, 5 बिलियन इन्वेस्टमेंट बाय द यूएई इन कश्मीर। इंडिया का इन्फ्लुएंस इस कदर ज़्यादा है ड्यू टू इट्स इकॉनमी के जो एक इस्लामी मुल्क है दैट इज़ यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसने $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इंट्रोड्यूस करवाई है इन कश्मीर। इवन दो वो ये बात जानते हैं कि कश्मीर इज़ अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, या पाकिस्तान कश्मीर का हिस्सा पूरा कश्मीर चाहता है, और वहाँ पर मुसलमानों के साथ जो है वो ज़्यादतियाँ होनी है, बट जियोपॉलिटिक्स में यही सब कुछ होता है। हर कोई अपने वेस्टेड इंटरेस्ट देखता है, कोई किसी का यू नो इस तरह से साथ नहीं दे सकता जिस तरह से पाकिस्तान चाहता है कि उसका साथ दिया जाए। तो इसलिए जो है दुनिया का रिएक्शन इंडिया पे कुछ ज़्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं है। एंड पीपल दैट्स इट फ्रॉम टुडेज़ वीडियो पाकिस्तान रिलेशंस विद इंडिया। होपफुली यू दिस विल एड वैल्यू टू योर नॉलेज। अगर आपको लगे मुझे किसी और टॉपिक पर भी वीडियो बनानी चाहिए, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, योर रिकमेंडेशंस विल बी अप्रिशिएटेड। जज़ाकुमुल्लाहु खैर फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।